जय माता दी, हर हर महादेव। आज तीन तरह से अखंड ज्योत की बाती बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप सभी को पहले तरीका, जिसमें रुई की आवश्यकता पड़ेगी, इस तरह से थोड़ा बड़ी ज़्यादा अवस्था में रुई लेनी है, जिससे कि 9 दिन तक ये अखंड रहे और ज़्यादा अधिक इसे सार संभाल की आवश्यकता नहीं रहे। थोड़ा सा इसमें 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का, मैंने 5 का लिया है क्योंकि यह भारी सा रहता है, और इस तरह से इसे खूब खूब अधिक बल देते जाना है। खूब अधिक बल दोगे, जितना बल दोगे उतनी अच्छी यह बनेगी। थोड़ा समय लगेगा बल देते देते, 2-3 मिनट 4 मिनट, जिससे कि यह बिल्कुल अपने आप में समाहित हो जाए, बिल्कुल पतली सी हो जाए। ये देखिए, घी की मदद लीजिएगा बीच बीच में, जिससे कि यह पूरी तरह से घी इसके अंदर चला जाए और पूरा अपनी तरफ या बाहर की तरफ जो है, इसमें बल देते देते जो है, ये पूरी अपने आप में बिल्कुल पतली होती जाएगी, बारीक बारीक। इस तरह से दोनों उंगलियों की मदद से भी कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है, अब यह दोनों हिस्से जो हैं पूरी तरह से बल देने के बाद अब यह भर गए हैं, आपस में मुड़ गए हैं। अब जो है अंदर की तरफ रुपये को भी इस तरह से बंद कर देना है, जो कि यह निकले नहीं, इस बात का ध्यान रखें। अब इन दोनों को भी आपस में बांध देना है, इस तरह से जो है बल कर देना है। अब इस जगह पर भी बहुत अच्छे से बल दीजिएगा, घी लगा लगा कर या दूध लगा लगा कर, जिससे कि यह खुले नहीं और बहुत अच्छी तरह से यह बैठ जाए, अपनी तरह पर स्थिर हो जाए। इस तरह से देखिए, बहुत अच्छा तरीका होता है इससे। और साथ ही आप जब भी दीपक लगाएंगे तो बीचों बीच में इसे रखना है किसी कटोरी वगैरह में, और साइड से घी डालना है। 9-10 दिन क्या, यह पूरे 15 दिन तक बहुत अखंड दीप के रूप में जलती है और बहुत अच्छी तरह से यह अखंड जो है खंडित नहीं होती। इस बात का आप सभी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इस तरह से आप अखंड ज्योत की बाती बनाएंगे। यह पहला तरीका जो कि बहुत सरल है। रुई जो कि 5 रुपये का सिक्का, इसमें यह होगा कि ये कभी भी खंडित नहीं होगा और एक ही जगह पर स्थिर रहेगा। उसके अंदर जो रुई है वह ऊपर ही ऊपर, एक निश्चित कहने का अर्थ है कि बहुत अधिक भी इसका जो धीमी धीमी जलेगी, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं जलेगी, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं जलेगी। इस तरह से आप चाहें तो इस तरह का जो आपके पात्र है उसमें रख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह का पात्र है इसमें रख सकते हैं, या कोई कटोरी इत्यादि में रख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें चावल दे दीजिएगा, जिससे कि, वैसे हालांकि इसमें चावल देने की आवश्यकता नहीं है, चावल रखने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पर इसमें घी भरते हुए आप सभी इसे 9-10 दिन तक प्रज्वलित कीजिएगा। बहुत सरल तरीका है इसको बनाने का। अब जानते हैं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में आप सभी को या तो मोली लेनी नहीं है या कच्चा सूत ले लेना है। जहाँ तक आप कोहनी में देख रहे हैं वहाँ तक इसका नाप ले लीजिए और थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा ले लीजिए, 1 हाथ के बराबर। थोड़ा, 1 हाथ मतलब थोड़ा आधे मीटर से भी कम, इतना एक्स्ट्रा ले लीजिए। अब दूसरे आदमी की मदद चाहिए होगी या आप इसे खूंटी इत्यादि में भी बांध सकते हैं। इसे डबल कर लेना है, जैसे हमने 1 हाथ से थोड़ा ज़्यादा किया, इसे डबल कर लेना है और एक सिरा जो है दूसरा आदमी पकड़ेगा और इस तरह से इसे बांटते जाना है, बल देते जाना है। कोई घी की मदद ले लीजिए, हाथ में थोड़ा सा कुछ लगा लीजिए, या सामान्य तौर पर इस तरह से इसे बांटते हुए ऐसा लगे कि बिल्कुल यह टाइट सा हो जाए, कहीं भी कुछ भी ऐसा ना लगे कि गांठ वांठ हो, एकदम टाइट सा होना चाहिए। फिर इसे और एक बार फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से जो है फिर और गांठ है देते चले जाइए। देखिए, इस तरह से बाहर की तरफ एक ही तरफ गांठ देनी है, इस बात का ध्यान रखिए, एक ही तरफ बल देना है और दोबारा इसे इसी तरह से मोड़ लीजिए। देखिए, 1 हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, एक बार एक आदमी आपकी मदद कर देगा, दूसरी तरफ से जो है आप खुद से कर सकते हैं। इसे वापस फोल्ड कर देना है इस तरह से, देखिए बिल्कुल यह लगेगा कि आपको फोल्ड हो गया है या आपकी कटोरी में। इस तरह से सामान्य तौर पर ऐसे भी रख सकते हैं इसे जो है स्टैंड बनाकर, अभी जैसे मैं बताऊंगी सेम वही तरीका स्टैंड बनाने का है। ये देखिए, 3 बार इसे मोल्ड लिया है, ये देखिए इस तरह से जो है यह बाती बन गई है। इसे जो है आप 10 दिन तक कहीं नहीं जाएगी, 10 या 15 दिन तक। अखंड दीप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी बाती का होता है, कलावे का, क्योंकि माता रानी को यह रंग बहुत प्रिय है। आप चाहें तो कच्चे सूत का भी ले सकते हैं। देखिए, अब जहाँ से खुला हुआ भाग होगा, जहाँ से कटिंग हो रखी है, देखिए वह ऊपर बत्ती बनेगी इस जगह से। ये देखिए, जैसे कर रहे हैं आप पंडित जी देख पा रहे होंगे, इस तरह से जो है जो खुला हुआ भाग है वह दीपक जहाँ से जलेगा, नीचे से जो बंद वाला हिस्सा है, थोड़ा सा एक उंगली की मदद से आप सभी को नीचे का हिस्सा अलग, एक छोटे से एक उंगली के बराबर छोड़ देना होगा नीचे से, और इस तरह से इसे बीचों बीच से खोल लेना होगा। आप जितना बड़ा स्टैंड बनाना चाहते हैं उतना खोल लीजिए,
इस तरह से जो है अभी खुले हुए स्टैंडों में भी आप सभी को उंगली की मदद से इन्हें भी बराबर टाइट बिल्कुल मोड़ लेना है। जितना आप इसे कसेंगे, जितना टाइट बनाएंगे, उतनी अच्छी यह बत्ती बनेगी। देखिए इस तरह से बहुत अच्छी बनती है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। खंडित होने का बिल्कुल भी भय नहीं रहेगा, बस साइड से घी डाला करें इसमें। यह बन गई बत्ती इस तरह से, देखिए बहुत सरल तरीका है। दो तरह से अपनी बत्तियां बनकर तैयार हो गई। अब चाहे आप कांसे, तांबे या जैसे बर्तन में आप अखंड दीप जलाते हैं या सामान्य तौर पर कोई सा भी दीपक लगाते हैं, उसमें भी इसे इस तरह की कटोरी में थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए घी प्रज्वलित करते हुए इसे प्रज्वलित कर दीजिए। अब जानते हैं तीसरा तरीका। अब एक तीसरी बत्ती जो लंबी बत्ती होती है, जैसे इस तरह से जो लंबाई में बनाई जाती है, वह भी बहुत सामान्य होती है, बनाने का बहुत सरल तरीका है। तो मैंने इसे बनाने का आपको प्रयास नहीं किया दिखाने का, क्योंकि वे बहुत इजी है। रुई ले लेनी है लंबी, उसे भी खूब अच्छी तरह से बांटते जाना है। थोड़ा मोटी लेनी है, जो कि बांट बांट के यह बिल्कुल पतली हो जाए। इस तरह से एक कटोरे में इसे चावल का आसन देते हुए इसे बना देना है, इसे लगा देना है। यह बहुत सरल तरीका होता है, तो मैंने सोचा ये सभी को आती है तो आप सभी इसे कर सकते हैं। तो इन तीन तरीकों में से आप कोई सा भी तरीका ले सकते हैं। लंबी बत्ती का चलाना चाहें तो इस तरह से, और साथ ही यह जो बत्तियां बनी हुई हैं इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इससे जो है माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। अखंड दीप की अपनी ही एक महत्वता है और 9-10 दिनों तक यह बहुत अच्छे तरीके से जलती हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।